हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग zeal.com। और आ चुके हैं आपके लिए लेके एक बार फिर से नया वीडियो, जिसके में हम बात करने वाले हैं अवर मच अवेटेड AOC 24 इंच मॉनिटर, जिसका लॉन्ग टर्म रिव्यू बहुत दिनों से पेंडिंग था हमारे एंड पे, और जिसके लिए मैं आप लोगों से सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे AOC 24 इंच मॉनिटर के अनबॉक्सिंग वीडियो पे, और उसके ऊपर ही हमारे कमेंट आए थे कि प्लीज़ इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू दीजिए। तो लीजिए, मैं आपके पास आ गया हूँ एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके इसका। मैं आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा इस वीडियो को, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। कॉन्स इसके अंदर ज़्यादा है नहीं, एक या दो पॉइंट ही रहेंगे, बट मैं आपको प्रोज के बारे में बताने वाला हूँ इसके अंदर। मैं अप्रोक्सीमेटली 4 महीने से यूज कर रहा हूँ इस मॉनिटर को अब, और मैं समझता हूँ ये करेक्ट टाइम है आप लोगों को 4 महीने का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने का। चलिए मैं आपको बताता हूँ AOC 24B1XHS 24 इंच LCD मॉनिटर का रिव्यू कैसा रहा है मेरे लिए 4 महीने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज की। तो वो जो मेरे को इसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो लगी, जो इनफैक्ट मैंने खुद भी इसीलिए लिया था, जो वैल्यू है, द मनी, द वैल्यू फॉर मनी ऑफ दिस मॉनिटर इज वेरी गुड। दैट इज़ आपको जो 7 से 8 हज़ार के अंदर 24 इंच का मॉनिटर मिल जाता है, उसके अंदर भी आपको IPS ग्रेड वैल्यू मिल जाती है, डिस्प्ले वैल्यू मिल जाती है, डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है IPS लेवल की, वो एक अमेजिंग चीज़ है। इसके अपने आप के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जो कि आजकल मेरे को बहुत कम मॉनिटर्स में देखने को मिलता है। मैं खुद HP का मॉनिटर यूज़ करता था, मैं करता आ रहा हूँ, मैंने डेल का ही मॉनिटर यूज़ किया है। मैं पर्सनली आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ HP। मैं लॉन्ग टर्म यूज़र रहा हूँ HP का, तो पर्सनली आई नो व्हाट क्वालिटी HP डिलीवर्स एंड व्हाट क्वालिटी आई एम गेटिंग इन दिस AOC मॉनिटर। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को नोटिस होती है वो होता है वैल्यू फॉर मनी इस मॉनिटर में, जो वैल्यू प्रोवाइड करता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने दिल्ली से परचेज़ किया नेहरू प्लेस मार्केट के अंदर जाके, जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया था, जहाँ पर मुझे ये 7,500 या 7,300 या 7,400 का पड़ा था। तो मेरे लिए 7,300-7,400 के अंदर 24 इंच का एक IPS LCD मॉनिटर, नॉट जस्ट LCD, इट इज़ IPS LCD मॉनिटर, तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग बात थी कि मुझे IPS LCD मॉनिटर मिल रहा था। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वैल्यू फॉर मनी आपको इसके अंदर मिल जाती है। दूसरी चीज़, ग्रेट पिक्चर क्वालिटी, इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। मैं इस पर मूवीज़ देख चुका हूँ, मैं अपने आप में खुद एक डिज़ाइनर हूँ, तो डेली काफ़ी विजुलाइजेशन के काम करता हूँ, मुझे किसी भी तरह की कलर एफिशिएंसी में कोई दिक्कत नहीं दिखती, कलर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है, ग्रेट पिक्चर क्वालिटी है, काफ़ी अमेजिंग आउटपुट देता है ये। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस, मैंने इस पर गेमिंग भी करी है, गेमिंग के अंदर भी, इनफैक्ट गेमिंग मॉनिटर नहीं होने के बावजूद ये काफ़ी अच्छे गेमिंग फ्रेम्स दे देता है। आई हैव ओवरक्लॉक्ड दिस मॉनिटर टू इवन 75 फ्रेम्स पर सेकेंड, और एक काफ़ी अच्छा वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ओवरक्लॉकिंग के लिए जिन लोगों के सवाल थे कितना तक ओवरक्लॉक हो सकता है, ये 75 फ्रेम्स तक ओवरक्लॉक हो जाता है। गेमिंग भी आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो ये हमारे प्रोस थे। कॉन्स के नाम में मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, बट पर्सनली जो मैंने एक डिफ़िकल्टी फेस की है इस मॉनिटर के साथ, जो मैं प्रेज करना ज़रूर चाहूँगा आप लोगों को, मेरे ऑनेस्ट रिव्यू को लेके ही आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। ऑनेस्ट रिव्यू ये है, जो डिफ़िकल्टी मैंने फेस की है इसके साथ, वो ये है इकलौती कि मैं एक ऐसा व्यूअर हूँ जो मैं अपना मॉनिटर को लीस्ट लाइटिंग पर रखता हूँ, दैट मीन्स नॉट वेरी लीस्ट, डिसेंट लाइटिंग दैट शुड नॉट अफेक्ट माई आईज। तो मैं हमेशा ऐसी सेटिंग्स पर रखता हूँ मॉनिटर को जो कि ज़्यादा ब्राइट ना हो, मेरी आँखों को चुभे ना। तो मैंने एक सेटिंग्स होती हैं इसके अंदर, मैं सेटिंग्स उसमें होती है, एक होती है टेक्स्ट, इंटरनेट, स्टैंडर्ड, मूवी एंड इस तरीके से सेटिंग्स हैं इसके अंदर, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें है इंटरनेट, गेम, मूवी, स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड और टेक्स्ट। मैं जनरली टेक्स्ट के ऊपर रखता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर मेरे को काफ़ी चेंज करना पड़ता है बार बार, दैट मीन्स मैं अगर रोज़ अगर मुझे टेक्स्ट पे रखना है, मैंने टेक्स्ट पे रख के छोड़ दिया है, मैंने आज पूरे दिन काम किया है इस सेटिंग के ऊपर, अब मैं अगले दिन आता हूँ, मैं अगले दिन खोलता हूँ मॉनिटर को, तो मेरे को दोबारा ये टेक्स्ट पे करनी ही पड़ती है, ये मुझे किसी और सेटिंग पे मिलती है, आइदर स्टैंडर्ड पे और इंटरनेट पे मिलेगी, मुझे टेक्स्ट पे करना है तो टेक्स्ट पे करना पड़ता है। दैट इज़ वन थिंग दैट आई हेट अबाउट दिस मॉनिटर, दैट इज़ द ओनली फैक्टर। बट अगर आप स्टैंडर्ड यूज़र हैं, आप हाई ब्राइटनेस इनफैक्ट इवन स्टैंडर्ड ब्राइटनेस पे करना चाहते हैं काम, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट जो मैंने रेज किया, ये आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है,
अगर आप मेरी तरह यूजर नहीं है जो कम ब्राइटनेस पे काम करता है, तो सारी बात यह है कि आपको इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। ये मेरा इकलौता कौन था। दूसरा कौन मैं मानता नहीं कौन है, बट स्टिल मैं रेज कर रहा हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं बहुत स्लाइटली लगता है ऐसा, क्योंकि मैं एच पी मॉनिटर्स पे भी बहुत काम करता हूँ, मेरे सामने रहते हैं, मैं काफ़ी यूज़ किए हैं। तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो पेपर्स पे क्या है इसका, क्या पेपर पे क्या रिजल्ट है, क्या पेपर पे इनके स्पेसिफिकेशंस हैं, बट इनफैक्ट मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क लगता है पिक्सल डेंसिटी में। जो पिक्सल डेंसिटी हमें एच पी के मॉनिटर में मिलती थी, वो शायद थोड़ी सी स्लाइटली कम है, बहुत स्लाइटली, जो कि मैंशनेबल भी नहीं है मेरे लिए, बट मैं फिर भी मैंशन कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट दिस। इसके अंदर बहुत स्लाइट फ़र्क हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये लगता है क्योंकि मैंने यूज़ किया है, बट स्टिल बहुत अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी ये दे रहा है। तो ये था आपके लिए डिटेल्ड लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दिस AOC 24 इंच मॉनिटर। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कुछ और डिटेल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ चाहिए हो, जो मैंने पॉइंट छोड़ दिया हो, जो आपके बारे में सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा, आई विल डेफिनेटली कवर दैट अप। सो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कीप लाइकिंग शेयरिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।